गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, क्लास सिक्स के लिए 5.6 आज न्यू एक्सरसाइज शुरू कर रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 1, नेम द टाइप्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रेंगल्स. हमें क्या करना है, ट्रेंगल्स के जो नीचे स्टेटमेंट दिए हुए हैं ए से एफ तक, उसमें क्या लिखना है, ट्रेंगल्स के नाम बताने हैं. तो इसके लिए पहले आप लोगों को ट्रेंगल समझाती हूँ. तो आप लोगों को ट्रेंगल का पता है, ट्रेंगल थ्री साइडेड फिगर को क्या कहते हैं, ट्रेंगल कहते हैं, जिसके तीन साइड्स होते हैं. यह ट्रेंगल, थ्री साइडेड फिगर को क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं, जिसके तीन वर्टिस होते हैं. वर्टिस यानी कि कोने, तीन कोने के, ट्राई एंगल्स मीन तीन कोने, तीन एंगल्स, या 1 2 3 एंगल्स होते हैं, थ्री वर्टिस होते हैं और थ्री साइड्स होते हैं, 1 2 3 साइड्स होते हैं, इसको ट्रायंगल्स कहते हैं. अब इस ट्रायंगल के कुछ टाइप्स भी होते हैं, टाइप्स अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे कि नामिंग ट्रायंगल बेस्ड ऑन साइड, साइड के हिसाब से, यानी साइड के हिसाब से, अगर साइड सब इक्वल या कोई कुछ इक्वल होते हैं, कुछ डिफरेंस होते हैं, कुछ टू साइड्स इक्वल होते हैं, इस तरह के टाइप्स होते हैं. तो मैं टाइप्स के बारे में समझाती हूँ. फर्स्ट स्केलन ट्रायंगल, स्केलन साइड के हिसाब से समझा रही हूँ, स्केलन ट्रायंगल साइड के हिसाब से देखा जाए कि, तो पहले क्या है स्केलन ट्रायंगल. स्केलन ट्रायंगल में क्या होता है, जैसे कि हमारे ट्रायंगल है, ट्रायंगल के ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तीनों साइड्स क्या है, इक्वल नहीं है, अनइक्वल साइड्स हैं, तीनों साइड बराबर नहीं है, जिसके अनइक्वल साइड्स है उसको स्केलन ट्रायंगल कहेंगे. ये हुआ एक टाइप्स. और दूसरा है हमारे पास आइसोसेलिस, आइसोसेलिस ट्रायंगल. अब आइसोसेलिस ट्रायंगल में क्या होते हैं, आइसोसेलिस ट्रायंगल में जिसके दो साइड्स बराबर होते हैं, जैसे कि हमारे पास है ये इस तरह का, इस तरह के ये और ये बराबर नहीं हुआ, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं. जैसे कि ये बड़ा है, ये 2 रखो, इन दोनों को 2, ये 3 रख दो, 4 ही रख दो, ये 4 रख दो. अब क्या है इसमें, इस ट्रायंगल में जिसके दो साइड्स इक्वल है हो, उसको क्या कहेंगे, आइसोसेलिस ट्रायंगल कहेंगे. जिसके दो साइड्स बराबर हो उसको आइसोसेलिस ट्रायंगल कहेंगे. ए ट्राइंगल हैविंग 2 इक्वल साइड्स इज कॉल्ड एन आइसोसेलिस ट्राइंगल, वो कहेंगे. अब ऐसे ही थॉट, थॉट क्या है हमारे पास, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल. अब इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होते हैं, दो साइड्स क्या होते हैं, सॉरी, थ्री साइड्स इक्वल होते हैं, यानी कि तीनों साइड बिल्कुल बराबर होते हैं, यानी कि तीनों साइड बराबर होते हैं. अगर ये 2 है तो ये 2 है, तो ये 2 है, तो बिल तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, उसको क्या कहेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल. ए ट्रायंगल हैविंग 3 इक्वल साइड्स इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो ये हुआ साइड के हिसाब से. अब एंगल के हिसाब से समझा रही हूँ. एंगल के हिसाब से पहला है हमारे पास एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एंड सेकंड है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, एंड थर्ड वन है, थर्ड वन हमारे पास है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल. ये तीन है एंगल के हिसाब से. अब एंगल के हिसाब से एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होते हैं, ये तीनों तीनों एंगल, जैसे कि ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, तीनों क्या है, एक्यूट है, एक्यूट एंगल यानी 90 डिग्री से कम है, ये भी 90 डिग्री से कम, ये भी 90 डिग्री से कम, यानी ये भी 90 डिग्री से कम, इस तरह के ट्रायंगल को क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल. अब ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होते हैं, इस तरह का, यानी कि एक एंगल 90 डिग्री से, 90 डिग्री से ज़्यादा हो एक एंगल, उसको क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. अब राइट एंगल ट्रायंगल तो आप लोगों को पता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये स्ट्रेट, बिल्कुल ये राइट एंगल ट्रायंगल है, जो एक एंगल 90 डिग्री का हो उसको क्या कहेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल. तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये समझ आए होंगे ट्रायंगल के टाइप्स एंड प्रॉपर्टी. अब मैं अपने पॉइंट पे जाती हूँ. ट्रायंगल विथ लेंथ साइड 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर. अब हम लोगों को समझा दिए कि ये है अनइक्वल साइड्स हैं, जैसे कि साइड के हिसाब से एक ट्रायंगल है जिसका लेंथ है 7 8 एंड 9, यानी कि ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, अनइक्वल लेंथ है साइड से. तो इस तरह के ट्रायंगल को क्या कहेंगे, इस तरह के ट्रायंगल को, यहाँ पे स्पेस की कमी है, हम यहाँ लिखेंगे स्केलन, स्केलन ट्रायंगल.
मैं ट्रेंगल शॉर्ट करके लिख रही हूँ, आप लोग पूरा लिखना TRI ट्राई एंगल NGLE, ये सॉल्यूशन है ए का। अब एंगल ट्राइंगल ए बी सी विथ ए बी इज इक्वल टू 8.7 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये क्या है? स्केलन ट्रेंगल। अब स्केलन ट्रेंगल में क्या है? ए बी सी विथ ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये क्या है? स्केलन ट्रेंगल। स्केलन ट्रेंगल सॉल्यूशन ऑफ बी। अब सी में पी क्यू आर सच दैट पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू पी आर, ये सब इक्वल है, इसका मतलब ये क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसके ऑल साइड सर इक्वल है। सॉल्यूशन यहाँ लिखती हूँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल। डी डी ई एफ विथ एम, एम मीन्स मेजर, मेजरमेंट ऑफ एंगल डी इज 90 डिग्री, इसका मतलब एक एंगल 90 डिग्री को, इस तरह के एंगल को क्या कहेंगे? राइट एंगल ट्रेंगल, ये है एंगल के हिसाब से। सॉल्यूशन यहाँ पे लिखती हूँ, राइट एंगल, राइट एंगल ट्रेंगल। ई पार्ट एक्स वाई जेड विथ मेजरमेंट ऑफ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एक्स वाई इज इक्वल टू, ये क्या है? एक तो 90 डिग्री का एंगल है, ये राइट एंगल ट्रेंगल भी हम कह सकते हैं, और यानी कि एक्स वाई एंड वाई जेड बराबर है, इसका मतलब दो साइड्स क्या है? बराबर है, एक्स वाई एंड वाई जेड बराबर है, यानी कि इस तरह का, जैसे कि ये 90 डिग्री का एंगल है एक, एंड ये और ये बराबर है, इसको आइसोसेलिस एंगल ट्रायंगल भी कहेंगे, और 90 डिग्री का एंगल भी हम कहेंगे। तो इसको क्या लिखेंगे? आइसोसेलिस सॉल्यूशन में आइसो आइसोसेलिस आइसोसेलिस राइट ट्रायंगल, ट्रायंगल में शॉर्ट करके लिखती हूँ ट्रायंगल, आइसोसेलिस राइट ट्रायंगल कहेंगे इसको। एल एम एन विथ मेजरमेंट ऑफ एंगल एल इज इक्वल टू 30, मेजरमेंट ऑफ एंगल एम इज इक्वल टू 70 एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल एन इज इक्वल टू 80। अब इस तरह के एंगल को एक मेजरमेंट ऑफ 30 है, एक 70 है एंड एक 80 है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि सब क्या है? 90 डिग्री से कम वाले एंगल है। इसको सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ये हुआ सॉल्यूशन।